फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज संडे है और मेरा कॉलेज बंद है, तो अभी मैं सो के उठी हूँ। देख सकते हैं मैं चाय पी रही हूँ। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और काम भी नहीं किए हैं। 10 बज गए हैं। उसके बाद क्या कहता है, फिर काम भी है। उधर देखिए बर्तन भी रखा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है। हाँ, बर्तन रखा हुआ। इधर देखिए हम चाय बना लिए हैं, दाल बना लिए, और दाल बनाने के बाद मैं पापा को खाना दी, क्योंकि आज शायद खेत पट रहा है। मतलब क्या खेत पट रहा है, तो मतलब जैसे कुछ लगा होगा उसमें पट रहा है खेत। तो हम चाय पी लेते हैं। और बहुत तेज़ मुझे सर्दी लगी है, और पता है मैं कॉलेज डेली क्या करूं, जाऊं कि ना, समझ ही नहीं आ रहा है। ठंड का भी मौसम है, सर बोल रहे हैं 4 मंथ का लास्ट सेमेस्टर है, तो 4 मंथ का ही होगा। अब ये ही समझ मुझे नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि सब बोल रहा है कि 4 मंथ का होगा तो आ जाओ। 4 मंथ क्या, 2 ही मंथ होगा, नवंबर में खुला था वो, तो मैं आप सबको बताई थी। तो फिर अब क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि करूँ कि नहीं करूँ। उसके बाद फिर क्या कहता है, 20,000 रुपया देना, ये सही बात नहीं होगा। वैसे कोशिश करेंगे कॉलेज जाने की, ठंड में नहीं हुआ तो फिर क्या कहता है, नहीं करेंगे ना कॉलेज, 20,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आपको बता देती हूँ पिछली बार क्या हुआ था। मैं कॉलेज गई भी कुछ दिन थी, उसके बाद भी मुझे फुल पेमेंट पता है, साल भर का 20,000 रुपया लिए थे सर। तो चलो कोई बात नहीं, 20,000 लिए तो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि साल भर का था, 8 या 9 मंथ का था। और फिर इसमें 4 मंथ है, और सर बोल रहे हैं जनवरी तक ही होगा, 26 जनवरी तक, उसके बाद हम लोग को इंटर्नशिप में दे दिया जाएगा। तो यही लग रहा है 2 मंथ में 20,000 रुपया एब्सेंटी फाइन देना सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जाने की, नहीं होगा तो फिर जानते ही है ना आप लोग कि हम पहले कॉलेज जाना पसंद नहीं करते। कॉलेज जाना पसंद मुझे है, मैं आज तक कभी कोई स्कूल हो, ट्यूशन हो, ये सब कुछ नहीं छोड़ी हूँ। क्योंकि बात क्या होता है, वो जितना दूर हो जाता है ना, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। लोकल बस से मुझे घर से 1 घंटा पहले निकलने पड़ते हैं, और कॉलेज बस से टाइम पे 9 बजे निकलते हैं, 9:30 बजे बस है तो वहाँ से चले जाते हैं। और सोचिए 9 बजे घर से निकलना और 5:30-6 बजे घर से आना, कितना टफ काम होता है। देखिए यहाँ बोरा सब है, क्योंकि हम देखिए बोरा के पास बैठ के चेयर पे वीडियो बना रहे। तो फिर क्या कहता है, क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। वैसे कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि हम जाएं, नहीं अगर हो पाएगा तो फिर क्या करेंगे, एब्सेंटी फाइन तो देना पड़ेगा, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। और कॉलेज ना मतलब पूरा अंदर में है, खेत खलिहान टाइप का है, जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ कर रही हूँ, कोशिश करूँगी, अगर होगा तो ठीक है, वरना फिर तो पैसे की बात करता है कॉलेज, पता नहीं कितना पैसा लेता है बहुत। खैर कोई बात नहीं, अब मेरे पास काम बहुत है जो हम आपको दिखाए। इधर देखिए चावल बना हुआ, नहीं दाल बना लिए हैं, सब्जी बना लिए हैं, और क्या है, रोटी तो मम्मी बना दी, चाय बना ली है। चाय 2 बार पी चुके, फिर भी हमारा नाक जो है ना, क्या बताएं क्या लग रहा है। धूप में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा धूप में बैठते हैं ना तो फीवर जैसा अंदर मन करता है। दवाई तो ले लिए हैं, तो ये सब कॉलेज की वजह से हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, तो फिर क्या कहता है, सारा काम हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि कैमरा पकड़ने में नहीं होगा एक हाथ से। जब हम स्टैंड खरीद लेंगे ना तो फिर होगा, तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, चाय पी के काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं प्याज मिर्ची और अचार का मसाला मिला ली हूँ, क्योंकि मुझे ये सर्दी में खाने का मन कर रहा था, सब्जी नहीं खाने का मन कर रहा था, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो बोल मैं इसलिए नहीं रही हूँ कि देख लीजिए दादी यहाँ पे सोई हुई है ना। तो चलिए खाना खाते हैं, हम देखते हैं कैसा लग रहा है। यार मिर्च प्याज सब खा के इतनी तीखी लग गई ना, कुछ कहने की नहीं,
बहुत ज्यादा तीता लग गया है यार। मैं सोची सर्दी में चटपटा खाने का मन है, थोड़ा मिर्च खाते हैं प्याज डाल के, इसलिए हम सब्जी नहीं लिए थे। मुझे क्या पता इतना तीखा लग रहा है, पानी भी पीते बस उतना ही तक लगता है। मैं वीडियो बाहर में बना रही हूँ क्योंकि दादी बाहर बैठी हुई थी, अब तो देख मतलब सोई हुई थी, अब तो देखी ही थी। जब तक मैं खाना खाई चावल भी बन गया, तो चलिए हम थोड़ी देर में मिलते हैं कुछ मीठा खा के, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है, नाक के साथ आँख भी चलने लगी थी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़े देर में। गुड मॉर्निंग। पता है कल ना वीडियो बना नहीं सके क्योंकि ना मैं बोली थी ना थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगी। हुआ क्या था पता है कि ना मेरी तबीयत इतनी जोर से खराब हो गई थी, पता मैं तो आपको बताई थी ना कि मुझे फीवर आया हुआ है और चटपटा कुछ खाने का मन है, तो कितनी भूख मतलब सॉरी क्या कहते हैं उसको तीखा लगा, वो तो आप देखे ही। तो अभी हम फिर से सो के उठे हैं, चाय और पी लिए हैं, अभी हम देखे दूध चढ़ाए हुए हैं, दूध चढ़ाए हुए इधर खाना बन गया है, रोटी सब्जी चावल दाल बनेंगे। आज मेरे घर में कोई नहीं है क्योंकि पता है देखिए पूरा घर खाली है, तो कोई बात नहीं है क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को बुलाई हूँ बैठने के लिए, और दादी गई है मुंडन में और पापा और क्या कहता है भाई, ये सब भी कोई शादी बराती में जाएगा। तो फिलहाल अब भी मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी भी स्कूल चली गई है, मैं अकेली हूँ और कॉलेज नहीं गई मैं, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, अब्सेंटी फाइन लग जाता है ना इसलिए। तो चलिए हम काम उम कर लेते तब मिलते हैं, क्योंकि पता है कल तो मैं स्नान भी नहीं की थी, वो तो दिखाई देखी यही वाला कपड़ा मैं कल पहनी हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी तेज मतलब फीवर जैसा लग रहा था ना, पता नहीं किससे कॉलेज जाएंगे नहीं जाएंगे, कॉलेज जाना भी जरूरी है, नहीं जाएंगे तो एब्सेंटी फाइन लग जाएगी, तो कोई बात नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जैसी स्थिति होगी। हर इंसान की बॉडी उतनी नहीं होती है कि मेहनत करे तो हो जाता है, बट मेरे 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 पास ऐसा नहीं कुछ है कि मैं ज़्यादा वर्क करती हूँ ना तो थकान हो जाती है और तबीयत भी ज़्यादा खराब हो जाती है। दूध हो गया लगता है, हाँ हो ही गया, तो फिर अब चावल दूध देखिए हो गया, तो दूध भी हो गया है, अब चावल चढ़ाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ करूंगी, बर्तन तो सारा इसी तरह पड़ा हुआ है, बिछावन सब देखिए दादी का इधर बर्तन है, सब कुछ पड़ा हुआ है जिसको मैं साफ भी नहीं की हूँ। और अभी चलते हैं सब काम करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आज सोच रहे थोड़ा नहा ले, एक चीज़ बतानी थी आपको, ये वाला देखो मेरा बाल कैसा हो गया है, ये देखिए चनील भी हो गया, उड़ गया, पता नहीं क्या हो गया है मेरे मेरे बाल को, सारा गिर रहा है, समझ ही नहीं आता है मुंडन हो जाएगा क्या हमारा, देखिए ये बहुत इधर से इधर पक भी गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में काम करने के। मेरे सारे काम खत्म हो गए, मैंने सारा काम देखिए पोछा भी लगा लिया, वैसे ठंड के दिन में ना पोछा लगाने में थोड़ा मतलब थोड़ी देर बाद सूखता है, ऐसे गर्मी के दिन में क्या होता है कि लगाते रहो सूख जाता है। आज मैंने बाल भी धोए हैं देख लीजिए यार, कुछ बताओ बाल के लिए, पता नहीं बाल उड़ जाएगा मेरा, और बहुत तेज और लग रही है सर्दी। आज मैं पक्का दवाई ले लूंगी, पहले मैं दवाई नहीं लेती थी, तो आज मैं पक्का दवाई ले लूंगी। और चलिए मैं अब खाना खा के देखिए मैं क्या खा रही हूँ, सब्जी और रोटी, और इसी सब्जी रोटी के साथ मैं चावल भी खा लूंगी। देखो चावल भी मैं बना ली हूँ ताकि गरम गरम खा लूँ, क्योंकि चावल बिना अच्छा नहीं लगता है ना, तो क्या बोलूँगा बहुत सर्दी हो गई है, कॉलेज भी खुल गया है, जाना भी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो,
तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।